मैं संशोधन का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं सर, लेकिन ये सरकार जब पिछड़ों के हित में कोई बात कहती है तो मुझे हंसी आ रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनकी 18,000 नौकरियां खाली। दूसरा सर, मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में, और उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है सर। गुजरात के अंदर मूछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार है वहाँ दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को दबाने का काम आपने किया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ सर, इनसे मांग करना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप दलितों पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 50% की जो आपने सीमा है इस सीमा को बढ़ाने का भी आप बिल लेके संसद के अंदर आइए, वरना ये दिखावा मात्र होगा। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। इसी सदन में सर एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था विजय साई रेड्डी जी ने, और उन्होंने कहा था पिछड़ों का आरक्षण संसद और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम उसका विरोध किया इसी सदन में, वो दर्ज है कार्रवाई। ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, मैं आज सुबह आ रहा था मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर, गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं। योगी जी से कहिए इन पर बिल पर बोलिए, इनका उत्तर कर देना, मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है। मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन पे 8 महीने से बैठा है वो भी पिछड़े वर्ग से है सर, उसको हक दीजिए। जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग महंगाई से परेशान है, उनकी नौकरियां चली गई, उनको हक दीजिए उनका सर। कोरोना की महामारी से उनकी कमर टूट गई। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद संजय सिंह जी, समाप्त कीजिए प्लीज। हजारों करोड़ का धन्यवाद, धन्यवाद। अब पानी चोरी करने का काम आपने किया श्री विनय विश्रम जी, धन्यवाद। जब आप धन्यवाद संजय सिंह, समाप्त कीजिए। आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई।